हेलो फ्रेंड्स, हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में इस्टीमेशन ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन है आरटीपी मई 2019। आरटीपी मई 2019 का क्वेश्चन है, देखिए आरटीपी मई 2019, इन्होंने कहा कि परफॉर्म कॉस्ट शीट ऑफ द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। ये सारे पार्टिकुलर्स है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है, उस इन्फॉर्मेशन को आप बहुत अच्छे से आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे एक होता है कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट का एक इन्फॉर्मेशन होता है। कॉस्ट पर यूनिट में क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, यहाँ पे रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ है ₹100, ₹100। दूसरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट ये कॉस्ट हो गई, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसकी इन्फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है, ₹37.50, 37.50। और ओवरहेड कॉस्ट 75 दिया हुआ है, ओवरहेड कॉस्ट ₹75 दिया हुआ है, 75। और ये आपको प्रॉफिट है, टोटल कॉस्ट 212.50। यहां पे टोटल कॉस्ट आपके पास कितना हो गया, टोटल कॉस्ट 212.50, 212.50, ये आपकी टोटल कॉस्ट दी हुई है, उसके साथ प्रॉफिट दिया हुआ है। और ये यहाँ पे आपको द कंपनी कीप द रॉ मटेरियल इन स्टॉक एवरेज 1 मंथ, एवरेज 1 मंथ दिया हुआ है। तो मैंने आपको कहा था कि दूसरी चीजें क्या दिया रहता है आपको, स्टेज ऑफ, यहां पे रहता है स्टेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया रहता है, स्टेज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिया रहता है, स्टेज ऑफ यहाँ पे फिनिश गुड्स दी रहती है, स्टेज ऑफ डेटर दिया रहता है, फिर स्टेज ऑफ क्रेडिटर का पीरियड दिया रहता है, क्रेडिटर्स, फिर लैग बिहाइंड, बिहाइंड पेमेंट ऑफ, पेमेंट ऑफ, यहाँ पे एक लेबर होता है और दूसरा क्या होता है, ओवरहेड। भाई हम लेबर को, ओवरहेड को कैसे पेमेंट करते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में रहता है। फिर उसके साथ यहाँ पे एक और कॉस्ट होता है प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट की इंफॉर्मेशन होता है। फिर आपको कैश एंड बैंक बैलेंस का भी इंफॉर्मेशन होता है, कैश एंड बैंक बैलेंस की इंफॉर्मेशन होता है, कैश एंड बैंक का इंफॉर्मेशन होता है, सेफ्टी मार्जिन का भी इंफॉर्मेशन होता है, ये आपको सेफ्टी मार्जिन का इंफॉर्मेशन होता है, कैश सेल का भी कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है, कैश सेल, तो ये सारी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रहता है। अब इनकी प्रॉफिट भी दिया हुआ है, सेल भी दी हुई है, प्रॉफिट आपको पर यूनिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रॉफिट, प्रॉफिट दी हुई है 37.50, यहाँ पे प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको दिया था 37.50, 37.50। और इसकी जो लिखेंगे सेल, सेल कितना हो गया, 250, 250 आपको सेल करेंगे। तो अब क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन है हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ के एक एक इंफॉर्मेशन को पहले कलेक्ट करेंगे। अब देखिए उन्होंने कहा कि 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगा, यहाँ पे 1 मंथ लिखा है, 1 मंथ। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस एवरेज 1 वीक एंड फिनिश गुड्स इन स्टॉक एवरेज 2 वीक्स। यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस जो है 1 वीक है, ये आपको 2 वीक्स है, 2 वीक एवरेज 2 वीक्स।
द क्रेडिट अलाउड बाई सप्लायर 3 वीक्स एंड कंपनी अलाउ 4 वीक्स क्रेडिट टू द डेटर्स। यहाँ पे ये आपकी 4 वीक है और ये आपको 3 वीक है। सप्लायर ने 3 वीक दिया, फिर उन्होंने क्या कहा, लैग इन पेमेंट डेटर्स 3 वीक्स एंड कंपनी अलाउ 4 वीक्स टू द डेटर, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेज 1 वीक एंड लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड 2 वीक्स। यहाँ पे क्वेश्चन में 1 वीक यहाँ पे दिया हुआ है और ये आपको 2 वीक दिया हुआ है। हर एक क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन रहता है। आप सुनिए, द कंपनी सेल 1/5 ऑफ द आउटपुट अगेंस्ट द कैश एंड मेंटेन द कैश इन हैंड एंड बैंक 37,500। यहाँ पे कैश एंड बैंक रुपीज 37,500 है और कैश सेल 1/5 ऑफ सेल, 1/5 ऑफ द सेल आपको क्या है, कैश सेल है। अब देखिए, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीडेड फॉर द फाइनेंस एक्टिविटी ऑफ लेवल ऑफ 1,30,000 यूनिट्स। प्रोडक्शन यूनिट आपको दी हुई है, प्रोडक्शन यूनिट आपको दी हुई है कितना, 1,30,000, 1,30,000। अब आप देखिए, एज्यूम दैट द प्रोडक्शन इज कैरी मेनली थ्रू आउट द ईयर एंड वेजेज एंड ओवर एंड इक्रू सिमिलरली, वर्क इन प्रोग्रेस 80% इन ऑल रेस्पेक्ट। ऑल रेस्पेक्ट में वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल होता है, लेबर होता है, ओवरहेड होता है। तो मटेरियल जनरल केसेस में क्या होता है, मटेरियल को 100% लेते हैं और लेबर और ओवरहेड को हम 50% लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हर एक रेस्पेक्ट से इस पे क्या होगा, आपको 80% लिया जाएगा। 80% मटेरियल भी 80, लेबर भी 80 और ओवरहेड भी 80% लिया जाए। अब देखिए, ये क्वेश्चन हम बनाना शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहले सॉल्यूशन का एक पार्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं। कैश कॉस्ट बेसिस पे एक क्वेश्चन को बनाएंगे, कैश कॉस्ट बेसिस पे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। कैश कॉस्ट बेसिस का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल पे हम डेटर को निकालेंगे, डेप्रिसिएशन को इग्नोर करेंगे। तो वर्किंग नोट फर्स्ट, हम किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले एक वर्किंग नोट लिखते हैं। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल। यहां पे अमाउंट होगा और ये रुपीज में हो जाएगा। और ये पार्टिकुलर हो जाएगा, यह पार्टिकुलर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे रॉ मटेरियल हो जाएगा, यहां पे एक लाख 30,000 रुपीज 100, 100 के हिसाब से तो 1,30,00,000 रुपीज हो जाएगा यहाँ पे, 1,30,00,000। फिर आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वन करोड़ 30,00,000 इंटू 37.50, 37.50 48,75,000, 48,75,000 ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट 1,30,00,000 इंटू 75 तो 97,50,000, 97,50,000। तो ये जो कॉस्ट होता है इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है बेटा। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्लियर है। तो बताओ भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल कितना जाएगा, 1,30,00,000 प्लस 48,75,000 प्लस 97,50,000 तो 2,77,00,000। यहाँ पे
2,76,25,000, 25,000 ये आपका हो गया एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये भाई जीरो है। तो कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल भी यही होगा 2,76,25,000, कॉस्ट ऑफ सेल भी हमारे पास वही हो जाएगा। अब हम इस पे क्या करेंगे, डेटर निकालेंगे और इस पे क्या करेंगे, फिनिश गुड्स निकालेंगे। एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में देखिएगा जो आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है लेकिन सुनिए, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यहाँ पे वीक्स में दिया हुआ है, 1 वीक। जनरली क्वेश्चन में लिखा रहता है, यहाँ पे भी लिखा होना चाहिए था कि 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक, अब 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक, ये जनरली लिखा रहता है, नहीं भी लिखा रहता तो आपको एग्जम्पशन लेना पड़ेगा। अब देखिएगा साल में 12 महीने होते हैं, तो 4 × 12 करोगे तो 48 वीक हो जाएगा, यहाँ पे 48 वीक्स हो जाएगा, 4 × 12 करोगे तो 48 वीक, लेकिन 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक होता है, ये आपको एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जूम किया नोट करके, ये एजूम करेंगे, एजूम 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक, 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक, ये एजम्पशन हम लेकर हम क्वेश्चन को बना रहे हैं, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या होता है, इस्टीमेशन ऑफ नेटवर्किंग कैपिटल, आप क्या होगा यहाँ पे, इस्टीमेशन ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। अब सुनिए, नेटवर्किंग कैपिटल ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, अमाउंट हो जाएगा, यहां पे भी अमाउंट हो जाएगा, ये पार्टिकुलर हो जाएगा, अब देखिए करंट एसेट्स हो जाएगा, यहां पे करंट एसेट्स, सबसे पहले करंट एसेट्स, करंट एसेट में क्या होता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब सुनिएगा, रॉ मटेरियल हमारे पास टोटल रॉ मटेरियल का खर्च 1,30,00,000 है, तो ₹1,30,00,000 टोटल रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, ये 52 वीक × 4, 1 मंथ दिया है तो 52 × 4, तो ये 10,00,000 हो जाएगा, ये टोटल कितना पैसा हो जाएगा, ये 10,00,000 हो जाएगा। अब आ जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस में आपका दो कॉस्ट होता है, मटेरियल लेबर ओवरहेड। उन्होंने कहा कि मटेरियल लेबर ओवरहेड, अब सुनिए, 1,30,00,000 डिवाइडेड बाय 52, फिर क्या है यहाँ पे 48,75,000, 48,75,000 डिवाइडेड बाय 52, फिर आपको क्या है 97,50,000, 97,50,000 डिवाइडेड बाई 52,
यहाँ पे टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस का 1 वीक, तो यहाँ पे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। उन्होंने कहा कि मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों को 80% लेंगे, क्वेश्चन में बोला है, तो 80% लेंगे तो 0.80, 0.80, 0.80। अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर मैंने इस सब को ये वाली चीजें कॉमन ले लूं तो तीनों को ऐड करेंगे, तो तीनों को ऐड करेंगे तो 2,76,25,000 तो आएगा, इसी को तो लिखी गई। तो हमने आपको डायरेक्ट यहां पे अगर मैं इसके प्लेस पे अगर ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं 2,76,00,000, 2,76,25,000, 25,000 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 1 इंटू 0.80, बात वही आ जाएगी। अगर मेरे कहने मैं क्यों ये समझाना चाहता हूँ, जनरली हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, मटेरियल को 100% लेते हैं, मटेरियल को 100%, और लेबर और ओवरहेड को 50% लेते हैं, मैंने यही कंसेप्ट समझाया था। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में आपकी इंफॉर्मेशन है कि भाई मटेरियल को 80 और लेबर को भी 80 और ओवरहेड को भी 80 लेना है, तो जब आपका तीनों का सेम है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे हमने क्या किया, फैक्ट्री कॉस्ट पे तो वर्क इन प्रोग्रेस निकलता है, तो उस केस में हम डायरेक्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड जो अलग अलग लिख रहे हैं उनकी कॉस्ट मुझे मालूम है कि 2,76,25,000 है, अलग अलग लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं यही समझाना चाहता हूँ कि भाई अलग, जब आपका सेम प्रोपोर्शन में मटेरियल लेबर ओवरहेड लिया जाए तो अलग अलग लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं। तो ये कितना जाएगा, 4,25,000, 4,25,000। अब स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगा आपका, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब देखिए फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे करते हैं, तो 2,76,25,000 डिवाइडेड बाय 52, क्या फिनिश गुड्स का स्टेज क्या है, 2 वीक्स है, तो यहां पे 2 लिख देंगे आप, तो 2 लिख दीजिएगा, तो 10,62,000 आ जाएगा, ये 10,62,000 हो जाएगा। अब आपको डेटर, सन्डरी डेटर्स, डेटर डेटर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ सेल पे होता है, कॉस्ट ऑफ सेल भी यही अमाउंट है, 2,76,25,000 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 4, उन्होंने 4 बोला है, डेटर का 4 वीक बोला है, लेकिन 1/5 ऑफ द सेल इज अ कैश, तो डेटर तो जो क्रेडिट पे सेल करेगा वही होगा, तो 1/5 जो कैश है वो आपको क्या हो जाएगा बताओ बेटा, यहां पे इंटू 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/5 लिखेंगे, 1 माइनस 1/5, तो ये 17 लाख हो जाएगा, 17 लाख हो जाएगा। अब उसके बाद कैश एंड बैंक आपके पास कितनी है, कैश एंड बैंक 37,500, 37,500, ये सबको आप ऐड करेंगे, आप सबको ऐड करेंगे तो 42,25,000 हो जाएगा, 42,25,000, दैट इज 42,25,000, ये आपका करेंट एसेट्स आ गया, दिस इज योर करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इसको कहते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स, इसको आप ए से रिप्रेजेंट कर रहे, ठीक है। अब करंट लाइबिलिटी निकालने की आवश्यकता है, अब देखिए यहां पे मैंने यहाँ पे लिखा अमाउंट,
ये रुपीज में आ गया, अमाउंट ये रुपीज में आ गया, यहां पे करंट एसेट्स आ गया, करंट एसेट 42,25,000, 42,25,000 ये आपका करंट एसेट्स हो गया, दिस इज योर ए। अब आप यहां पे करंट लाइबिलिटी लिखिएगा, या लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। आपको करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल, क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल, अब सुनिएगा, क्रेडिटर का पीरियड क्या है यहां पे, 3 वीक्स है, और टोटल रॉ मटेरियल का खर्च कितनी थी हमारे पास, 1,30,00,000। तो यहां पे 1,30,00,000 डिवाइडेड बाई 52 × 3, 7,50,000 हो जाएगा ये, 7,50,000। अब लिखेंगे क्रेडिटर फॉर, क्रेडिटर फॉर, क्रेडिटर फॉर ओवर लेबर वेजेस, लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट कितनी थी भाई, 48,75,000, और ये 1 वीक है, 48,75,000 डिवाइडेड बाय 52 × 1, क्रेडिटर फॉर ओवरहेड, ओवरहेड 97,50,000, यहां पे 97,50,000 डिवाइडेड बाय 52, क्या पीरियड है इसका ओवरहेड का, 2 वीक, यहां पे 2 रख देंगे, 2 रख देंगे, तो 93,750 हो जाएगा, 3,75,000 आ जाएगा, 3,75,000। अब बताइए टोटल करंट लाइबिलिटी कितना हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी इसको हम बी पार्ट देंगे, टोटल करंट लाइबिलिटी 12,18,750, 12,18,750 यह। अब आपको नेट वर्किंग कैपिटल लिख देंगे हम, वर्किंग कैपिटल, इस पे करंट एसेट्स को, करंट लाइबिलिटी को माइनस करेंगे, दैट इक्वल टू ए माइनस बी कर देंगे, तो यहां पे 42 में 12 गया 30,06,000, 30,06,250 ये आपका आंसर हो जाएगा, 30,06,250 आपका वर्किंग कैपिटल। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जो आपके आरटीपी में दिया हुआ है वो मैंने कंप्लीट कराया। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा।